हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। आज हम इस वीडियो में ट्यूटोरियल करने वाले हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, शुभम भैया, नहीं भैया मैं नहीं, शुभेश भाई शुभ जो है हमारे फेवरेट गेमिंग यूट्यूबर, उन्होंने माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये गेम बेसिकली एक सर्वाइवल गेम है। आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड बनाते हैं, यहाँ पे हम दोनों ये गेम मोड सिलेक्ट कर सकते, सर्वाइवल या क्रिएटिव। क्रिएटिव आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़िकल्टी, अगर आप पीसफुल डिफ़िकल्टी रखोगे तो फिर आपके ऊपर कोई मॉब्स मतलब मॉन्स्टर्स जो है जॉम्बिस वो आप पर कोई आएंगे नहीं, मतलब वो ये पैदा ही नहीं होंगे इसमें। यहाँ पर हम वर्ल्ड का नाम रखते हैं TERIAL ट्यूटोरियल। यहाँ पे आप वो स्टार्टर मैप चाहिए तो आपको मैप मिलेगा स्टार्टिंग में, ये ऑन करेंगे तो बोनस चेस्ट में। और फिर अगर आपको कोई सीड स्पेसिफिक, यहाँ पे आप स्पॉन होना चाहते हैं अच्छी खासी जगह पे, जैसे ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ये विलेज है एक टाइप का, वहाँ पे स्पॉन होना है तो हो सकता है। अगर आप चीट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर चीट एक्टिवेट करके दिखाया है, यहाँ वो नहीं करने वाले, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। ये गेम बड़ी ही आसान है और मज़ेदार भी है एक तरफ से, मज़ा भी आता है बहुत। इस गेम का मेन फंडा है हमें सर्वाइव करना है, तो फिर अभी गेम स्टार्ट होने तक रुकना है। मैंने खुद का भी एक वर्ल्ड बनाया हुआ, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। लेकिन पहला ये देखिए, ये आपको टिप्स भी दिखाई दिए जाएंगे। सबसे पहले अरे पेड़ पे स्पॉन हो गया, क्या बात है। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक पेड़ ढूंढना है और इसको पंच मारना है, मतलब उसे तोड़ना है हाथों से ऐसे ऐसे करके, इसे पूरा पेड़ हटा दो, मतलब ये बाद में रहेगा ही नहीं, अच्छा ही रहेगा अपने लिए। तो पेड़ हटाओगे नहीं तो अपने लिए छत का काम भी करेगा। मतलब एक ही ब्लॉक रख दो ऊपर, वहाँ पे प्लेन है। ये जैसे कि हम लोग ने अभी 5 पेड़ के टुकड़े तोड़े हैं और वो अभी जो तोड़ा है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। अभी वो रही बकरी, हमें पहला क्या करना है, इधर इन्वेंट्री में जाना है, हाँ क्राफ्टिंग में जाना है, ये वुड इधर रखना है पूरा, और पूरे का प्लैंक्स बनाना है। अभी इसको फिर से यहाँ फिर चारों को इस पर भर देना है, हमें मिलता है क्राफ्टिंग टेबल। हाँ अभी ये क्राफ्टिंग टेबल आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं, और फिर यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सब ऑप्शन दिए पड़े हैं। पहले इससे लकड़ी बनाओ, तलवार और एक एक्स, ये पेड़ काटने के काटने के काम आएगी और ये जानवरों को मारने के लिए। तो देखो अब हमें बेड बनाना है रात स्किप करने के लिए, तो हमें इन सफ़ेद चीज़ों जैसे कि शीप को मारना है, मरकरी भैंस की। हाँ देखा, इसने हमें रॉ मटन दिया है जिसे हम खाना बना, जिसे हम खा सकते, डायरेक्ट भी खा सकते हैं और डायरेक्ट नहीं, यहाँ से हम चेस्ट बना सकते हैं जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। ऐसे ये मैंने इसमें ये दो रख दिया। चलो और शीप चाहिए, असल में पहला पेड़ काटते हैं, बहुत सारा पेड़ लगेगा। बहुत सारा वुड काटना पड़ता है इसके लिए हमें, इसलिए आराम से, इसके लिए पेशेंस भी बहुत लगता है असल में। कोई नहीं, वो ये पेड़ बड़ा डिफरेंट है, इसके अलग अलग है तो बाकी के तो सीधे ही होते हैं। देखा, हाथ से काटने से ज़्यादा इसे एक्स से काटने पर ज़्यादा जल्दी टूट रहे हैं लोग, इसका ये फ़ायदा है। और ये एक्स से हम कम से कम 60 पेड़ के टुकड़े तोड़ सकते हैं एक बार में, और ये हम वेपन की तरह जैसे तलवार बने हैं उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए शायद इतने काफ़ी होंगे, नहीं और लगेंगे। रात होने से पहला घर बनाओ और 3 शीप इकट्ठा करो, ये सबसे पहला काम, फिर तुम्हें जो करना है वो करो।
और समझो आपको पहाड़ पे कहीं कोल मिला नहीं ना, कोल और होता है वो मिला नहीं ना, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, इस पे पहला लकड़िया लो और एक पिकेक्स बना लो। फिर करना क्या है, पहला जाके पत्थर निकालने, वहाँ पे मेरे लिए ऐसे भी पत्थर पड़े हैं वो नहीं तोड़ेंगे हम, इधर से ज़मीन के नीचे से तोड़ेंगे। रुको मुझे शवल भी लगे है मिट्टी हटाने के लिए, डर्ट। तो ये रहा मैं, ये रहा शवल, इससे हम मिट्टी हटा सकते हैं। हाँ ये देखो, ये भी एक चीज़ है, ये हमें करना क्या है, बस ज़मीन पे लगाना है। कुछ ही दिनों बाद इसके पेड़ उगाएंगे। आ गया, ये रहा, अब तू कैसे बचेगा, कहाँ जाएगा बे मर। हाँ ये हमें इसी प्रकार दूसरा गोल भी मिल गया है। आपको कोल चाहिए तो किसी गुफा में भी मिल जाएगा, लेकिन आज आपको कुछ और दिखाऊंगा। पास के रिटर्न है शायद से, जो पहाड़ टाइप रहते हैं ना इनको बस खोदना है। आप यहाँ पे केव बना के भी रह सकते हैं, देखो पत्थर मिल गए तो इसे तोड़ो। ऐसे हमें 7 से 12 पत्थर चाहिए। चलो इतने पत्थर काफ़ी है। यहाँ पे एक लकड़ी का घर भी बना सकते हैं ना, तो ऐसे केव खोद के आप ये भी कर सकते हो। सेब गिरा है, क्या बात है। तो हमें मिला है अभी ये कुछ पत्थर मिले हैं, दिख रहे हैं कॉबल स्टोन करके। अब हम उस उनका ऐसे स्ट्रक्चर बना के एक फर्नस बना सकते हैं, जो हमारे लिए चारकोल बनेगा। चारकोल के बारे में जानते ना, या स्कूल गए नहीं कभी, ये इधर रखा थे। फिर ये एक पेड़ का एक लॉग लेना है, एक रख दो और बाकी के इधर जला दो। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहिए तो ये वुल भी डाल सकते हैं, लकड़ियाँ डाल सकते हैं, फिर कोल भी ला के डाल सकते हैं, चारकोल भी बना के डाल सकते हैं। तब तक हम कुछ और पेड़ काटते हैं ताकि रात के लिए घर बन सके। हाँ देखिए अपने एक्स पे है ना हेल्थ दिखा रही है उसकी, मतलब वो उतनी देर तक ही चलेगा, और फिर जितना ज़्यादा यूज़ करेगा और फिर उसका ख़त्म हो गया तो वो अपने हाथ से टूट जाएगी अपने आप। और टूटने के बाद फिर हमें दूसरी बनानी पड़ेगी, इससे इससे तो अच्छी स्टोन वाली होती है असल में। देखिए अब ये टूट जाएगी, इसलिए अब ये हम ये सब कुछ लकड़ी का बना है ना, हम इसको लकड़ी का भी जला सकते हैं असल में। ये देखो चारकोल बन गया हमारा, अभी जाना है क्राफ्टिंग टेबल में, या फिर ये अपनी इन्वेंट्री में भी बन सकते हैं। चारकोल ऊपर नहीं, पहला लकड़ियाँ बनानी पड़ेंगी ना। अच्छा तो फालतू लेबर बन गया, कुछ लकड़ियाँ बस बस। फिर ये आगे टॉर्च, इन्हें बना लेने का। ये हमारे टॉर्च बन गए, अभी नहीं यहाँ कहीं पे भी रखो, अगर इसके ऊपर रखना है तो स्नीक करो, ये बीच का बटन दोबारा दबाओ और फिर वो लग जाएगा, लगाओ कहीं पे भी। वो दिख रहा है ना वो फूल, इनसे हम लोग डाइस बना सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को कलर डाल सकते हैं। मेरे पास एक ब्लैक कलर का वूल है और एक वाइट कलर का ना, तो मैं अभी 3 लेता हूँ ताकि मैं पिंक डाई बना सकूँ। रुको एक वूल और चाहिए मेरे को असल में, एक बकरी और मारनी है, शीप मतलब।
हाँ, और हम उसमें फूड भी कुक कर सकते हैं, जैसे कि अब देखो ये अपना वुड है, ये इधर फूड डाल दिया मैंने, थोड़ा और फूड बचा है इसमें, वो भी डाल दिया। हाँ, वो अपने आप पक जाएगा। और देखिए ये गटर के चूहे आ गए, इन्हें मारना पड़ता है, तो ये हम लोग को पानी में रहने नहीं देते, इन्हें मारते रहेंगे। देखो मुझे मार दिया, तो मैं मार खाता थोड़ा, फिर आपको बता रहे मर चाहला। और भूखने लगने वाली क्या, देखिए मैंने मार खाया, मेरी हेल्थ उड़ गई। चलो कुछ और वुड जमा करते हैं, घर भी बनाना है। ये पेड़ आखिरी रहेगा, नहीं एक सेकेंड, तू गायब नहीं हो रहा, क्या पता क्लिच हो गया शायद से। जो शीप चाहिए यार, शीप कहाँ मिलेगी एक्स्ट्रा। आखिरकार मिल गया। देखिए अब मैं, आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे हाथ में एक वूल है, ये मैंने इसमें डाला, मेरे पास 3 वूल हो गए। तो अब एक सेकेंड, बाहर कैसे गिर गया, या अंदर जाए। और हमने दो अपने पास जितने भी वुड प्लैंक्स थे उनका सब वुड बना दिया, अभी इससे हम अपना घर बनाएंगे। ये लगाया, ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है और कभी कभी लगता है बहुत आसान है। असल में क्रिएटिव में गेम खेलना बड़ा आसान है, लेकिन क्रिएटिव में मज़ा नहीं आता कभी कभी। तो हम यहाँ पे घर बना रहे हैं और समझिए घर पूरा हो गया। अगर आपको खिड़कियाँ बनानी है तो आप बना सकते हैं, गिला सैंड जमा करके सैंड को फर्नेस में डालिए और जला दीजिए, उससे आपके लिए ये बन जाएगा। यार ये या एक्स्ट्रा आ गया, इसको भी तोड़ दो। अभी हमारे पास उतना वुड नहीं है, तो ये एक ब्लॉक लग गया ऊपर, इससे अब अपनी छत कवर करेंगे। ये लग गए, हाँ ये लग गया, लग गया। से हटा दो, गलती से लग जाते हैं। ये बन गया हमारा घर, और देख सकते हैं आप, ये मैंने कुछ डोर बना लिया ऐसे, या ऐसे रख के हम डोर बना सकते हैं। तो ये मैं डोर बना चुका हूँ, तो ये लिया मैंने और इधर लगा दिया। हमें है ना अपना ये जो घर है ना, इसमें लाइट लाइट रखनी चाहिए, नहीं तो है ना मॉन्स्टर अंदर अंदर आ जाते हैं। गाय, ये गायों को भी मार सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये डाई है और ये वूल है, अभी ये वूल को हम लोग अपने पास रख लेते हैं पहला, और यहाँ पे ये डाई बना लेते हैं 3। हाँ यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, असल में ये हम बना रहे हैं, ये ब्लैक का कुछ नहीं हो रहा क्या, हो तो रहा है। फिर डाई 2 डाई लगता है, सही है, ठीक है। चलो ये हम बना लेते हैं, और ये हमारे पास 3 वूल हो गया एक, तो हमें बेड का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ये हमारा एक बेड बन गया, असल में पिंक है तो कोई बात नहीं, सो तो जाएंगे ना। तो ये बीच में आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ये लगा दिया। हाँ अब आप सोच रहे होंगे ये किस काम का, तो ये भी खेती करने के काम आता है, ये साइन बना सकते हैं हम। और ये कुछ प्रेशर प्लेट्स हैं, ये एक अभी हमारे पास एक दरवाज़ा एक्स्ट्रा है ना। हाँ ये डर्ट भी हटा देते हैं। ये प्रेशर प्लेट्स किस काम आती है, देखिए ये ऐसे रखिए और अपना डोर ऑटोमेटिक, मैं देखिए टच भी नहीं कर रहा, डोर ऑटोमेटिक अपने घर के बाहर। पता है इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन कोई नहीं,
ये साइन लगा दीजिए कहीं पे भी का घर, ये बन गया हमारा घर। गलती से मिस्टेक हो गई, तोड़ो इसको। अरे फिर से हाथ में भी आ जाएगा, देखिए हमारे पास फिर से थी। फिर से लिखते हैं यार, ये मानी काची जी एच ए आर घर, ये हो गया। अरे कोई नहीं, मस्त से घर के सामने कुछ लग गया, अब हम इन्हें रख देते हैं। एक सेब भी मिला है, ये बाहर जाके प्लांट करके आ जाते हैं। चलो से घर के ऐसे आसपास प्लांट कर देने। अभी हमें करना क्या है, रुकिए। अगर आप खेती करके खाना बनाना चाहते हैं तो फिर आपको सिर्फ पानी लगेगा, पानी की साइड, और कुछ घास। ये घास को है ना हमें हाथों से पंच करना है, उनमें से फिर सीड्स बाहर निकलेंगे। हाँ देखिए एक गिर गया, ये देख सकते हैं आप, हमारे हाथ में एक सीड है। असल में ये फोटो में बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन हमारे पास एक ही है। तो हमें करना क्या है, एक तो पानी के पास आयरन रूम के पानी बकेट लाना है, या फिर ये सीड से ना डाल देना। ज़ॉम्बी एकर शायद से ये डाल देंगे। इसे पूरा उगने के बाद कुछ येलो येलो दिखेगा बाद में, तो ये अपना घर बन गया, आप सरवाइव कर सकते हैं। जो यहाँ पे एक लगाई दूँ, अब अच्छा है। तो रात होने पर या आप सो सकते हैं, ऐसे सिर्फ इधर टच करना है। देखिए हमारे रिस्पॉन पॉइंट हो गया, मतलब आप मर भी गए ना तो आप हम अपने बेड के पास ही आ जाएंगे। हमें अभी करना क्या है, कुछ और पत्थर निकाल के लाते हैं फिर बताता हूँ। यहाँ पे असल में बहुत अंधेरा है, ये लगा दूँ। ये थोड़ा और स्टोन जमा कर, बस इतना काफ़ी होएगा। लेट्स गो। हाँ और इसका ये गेम का एक ये है, इसलिए पहले दिन पे ही हमें शीप मिलती है, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद ही शीप मिलेगी। इसलिए पहले दिन ही 3 वुल इकट्ठा करके अपना बेड बना लो। हाँ तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे स्टोन के मटेरियल भी बना सकते, ये देखिए। चलो देखते, ये देखो हमारा फूड भी तैयार हो गया। ये हम अभी इसे दबा के रखेंगे तो खाएंगे, लेकिन अभी अपना पेट फूल है, देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा पेट फूल है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम देख सकते हैं, ये देखो ये उगने लग गया है, ये हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये आप ऐसे सरवाइव कर सकते हैं। ये था आज का, अब ये आपको अपना वर्ल्ड दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए आप मेरा ये वर्ल्ड देख सकते हैं। मेरे पास एक आयरन की पिकेक्स है, मैंने लोहा निकाल लिया है, यहाँ पे कुछ फ़ोटो डाले हैं। ये देखो मैंने बहुत सारा आयरन और ढूंढ के निकाला है, जो जल के अभी मेरे लिए लोहा बन रहा है, इससे मैं अपना बहुत कुछ बना सकता हूँ। जैसे स्टोन के पिकेक्स बने, ये मैंने घर बनाया है। ऐसी खेती की जाती है, देखो ये सीड से बनता है, ये आलू डाले हैं, ये बीटरूट डाले है। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आसान है, मतलब अपने घर के पास है ना, कुछ 100-200 ब्लॉक के दूरी पे ऐसे विलेज बने पड़ जाते हैं। वहाँ पे वो लोग के भी फार्म होते हैं, उनसे भी चुरा सकते हैं, फिर उन्हीं के फार्म में चुरा सकते हैं। ये एक बेरी ट्री है, मतलब हम इसके तोड़ इसके बेरीज है ना ऐसे तोड़ सकते हैं, फिर ये उठा लिया। ये मैंने आर्मर बनाया लोहे का, सब कुछ इन्हें ऐसे प्लांट कर सकते हैं और ये और उगा सकते हैं। और मेरे हाथ में एक एक्स्ट्रा है तो मैं उसे खा लेता हूँ। क्या आप कुछ भी उगा सकते हैं, मतलब आपको कैक्टस चाहिए तो इसमें क्या बोलते हैं, डेजर्ट में जाके अपना कैक्टस तोड़ के लाइए और इधर सैंड पे लगा दीजिए, इसको शुगर कैन उगाना है शुगर कैन उगा दीजिए, और इसका पेपर बना के फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास ट्रेडिंग कर किया जा सकता है। देखिए आप मेरा घर बन चुका है। अरे कौन से आ गया अभी, एक क्रीपर है, हम लोग को देखते ही हम पे फूटने आ जाते हैं। मैं इस पर अपना स्पेशल हथियार से हमला करूँगा। ये बो और है, ये वो स्केलेटन के पास मिलता है।
फिर भी मरा नहीं, इससे मारता हूँ। ट्राइडन है ये, पानी वाले जॉम्बिस के पास ही मिलता है। उठा लूँ फिर से? उठा ले, उठा ले। ए फट मत, फट मत, मर गया। ले एक नंबर। ये आप देख सकते हैं, मैंने है ना डाई लिया और अपनी शीप्स पकड़ के रखी है। फेंस के पार कोई कूद ही नहीं सकता, मैं भी नहीं कूद सकता। देखो मैं कितनी भी दूर से कूदने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कूद नहीं सकता। और इन्हें भागने ने मार डाला। वाह, कोई नहीं, मेरा लिए फूड और ये हो गया। अब इधर कारपेट लगा कर चढ़ सकते हैं, लेकिन ये शीप्स नहीं चढ़ सकते क्योंकि ये बड़े नालायक जानवर होते हैं। सिर्फ इनके पास से हम वूल जमा करते हैं। मेरे पास सोना भी पड़ा है, गोल्ड भी है। हमें गोल्ड नहीं ये चाहिए। गाजर पड़ी है, अभी इन्हें तोड़ेंगे तो इनसे गाजर निकलेगी। और अब ऐसे खेला जाता है। और हमें करना क्या है, बहुत सारे एंडरमैन मारने। एंड अभी इस गेम में आगे क्या करना है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए बाय बाय। ये हमने फायर प्लेस बनाई है भी है कि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मदद कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।